सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या है और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्या है और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं। पूरा डिटेल्स में आज मैं इसे बताने वाला हूं। अगर आप भी इसे जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों, जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन नज़र आते हैं, पहला स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, दूसरा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अगर हम अपनी वीडियो को क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे देते हैं तो वहाँ पर हमारी वीडियो को कोई भी रीयूज कर सकता है, कोई भी कैसे भी मॉडिफाई करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है और हम उसे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम अपनी वीडियो को स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दे देते हैं तो हमारी वीडियो को जब भी कोई यूज करेगा या फिर अपने चैनल पर अपलोड करेगा तो वहाँ पर हम उस यूट्यूब क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं और वो चैनल डिलीट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसे जान लेते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है और कौन सा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ हाउ टू डाउनलोड स्क्रीन रिकॉर्डर, मैं सिंपल सर्च को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारी वीडियो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटिव कॉमन्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वीडियो हैं वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली हैं। आप इनको अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और ये लोग आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जिस भी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं वो मेन ओनर के चैनल पर है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेन चैनल पर है ही नहीं, दूसरे के चैनल पर है और वहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स है लेकिन जो पहले वाला चैनल है उसने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दे रखा है। तो जब भी आपकी वीडियो वायरल होगी तो वो जो फर्स्ट वाला चैनल है वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो आप इस तरीके से कोई भी वीडियो डाउनलोड करने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कॉमेंट में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बाय बाय।